क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट विज्ञान साइंस, उसमें हमारा जो तीसरा पार्ट है जूलॉजी का चैप्टर का नाम है उत्तर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। अब हम जानेंगे उत्तर क्या है, उत्तर किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को ये पता है कि किसी भी जीव के शरीर में होने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो ऊतक कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष काम करती हो। अधिकांशतः उत्तकों के आकार एवं आकृति एक समान होती है। हम सब जानते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो उत्तक होते हैं, ठीक है। किसी भी जीव के शरीर में होने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान तथा वे एक विशेष कार्य करती हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब सब जानते हैं कि जो उत्तक के प्रकार होते हैं, पैट्स ऑफ टिश्यूज, जो उत्तक के प्रकार होते हैं, उत्तक के प्रकार निम्नलिखित दो होते हैं। उत्तक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जल ऊतक, जल ऊतक, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू। दूसरा है पादप कोशिका, जिसे क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू। नंबर दो पादप ऊतक, इंग्लिश में लिखेंगे प्लांट। हमको क्या है कि जो किसी भी जीव का जो शरीर होता है वह ऐसी, मतलब शरीर में होने वाली कोशिकाओं का जो एक समूह होता है, किसी जीव के शरीर में होने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जल उत्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, एनिमल टिश्यू। और हमारा दूसरा है पादप ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू। अब आगे देखेंगे जल ऊतक, जल ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक उपकला, उपकला। नंबर दो संयोजी, उपकला ऊतक। नंबर दो संयोजी ऊतक।
नंबर तीन पेशी ऊतक, नंबर चार तंत्रिका ऊतक। हम जानते हैं कि ऊतकों के जो प्रकार होते हैं कौन सा टिश्यू होते हैं। ऊतक की भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक जंत ऊतक, नंबर एक जंत ऊतक, नंबर दो पादप ऊतक। जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये हमेशा निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जंत ऊतक, जंत ऊतक हमेशा निम्न प्रकार के होते हैं, नंबर एक उपकला ऊतक, सहजीव ऊतक और पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसके बाद हमारा दूसरा इश्यू आता है पादप ऊतक। क्या आता है? पादप, जिसे कहते हैं प्लांट टिश्यूज। क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यूज। पादप इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लांट टिश्यूज। हम जानते हैं कि जो पादप ऊतक होते हैं ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, नंबर एक विभाज्य योनि ऊतक, अस्थायी ऊतक। आप जानते हैं कि जो इससे पहले आप जंत ऊतक के प्रकार में आप पढ़े, उसमें भी कई प्रकार के आपको क्या क्या मिला, उपकला, सहयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक मिले। और हम इस पर बात करेंगे पादप ऊतक के प्लांट टिश्यूज में। पादप ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं, नंबर एक विभाज्य योनि ऊतक, नंबर दो अस्थायी ऊतक। हम बात करेंगे हमारा जो एनिमल जंत ऊतक एनिमल टिश्यूज में हमारा जो पहला पॉइंट आता है क्या, उपकला। उपकला हम जानेंगे कि उपकला क्या है। यह ऊतक शरीर को जो उपकला माना है इसके बारे में हम जानेंगे। यह ऊतक शरीर को बाहर से ढकता है, यह ऊतक शरीर को बाहर से ढकता है। जो हमारा उपकला ऊतक होता है ये जो शरीर को क्या करता है, बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को तथा समस्त खोखले अंगों को अंदर से तथा समस्त
अंगों को भीतर से भी लगता है। पेशी उत्तक के प्रकार में